ये रोजगारी के बारे में पूछे, ये पनौती वो छोड़िए, पनौती सनौती ये क्या है, वो तो मैच आया 10 मैच जीतते आए और अब किस्मत खराब था वो हार गए। बिल्कुल, मैं अक्सर शो तो करती रहती हूँ महंगाई बेरोजगारी पे, लेकिन पनौती इस वक्त बहुत गूंज रहा है। पहले बता दीजिएगा कि पनौती होता क्या, फिर हम बात। वो तो दुनिया जान रही है और उसके उसके बारे में छोड़ दीजिए, पनौती तो है ही है, उसको छोड़िए, महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी बता दीजिएगा। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, ये चुनावों में दिखता है, ये सब मुद्दा है। ये मैच तो किस्मत था, हार गए, 10 मैच जीतते आ रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे और एक मैच हार गए, तो उसकी बड़ी मुद्दा। बेरोजगारी को लेकर पनौती कौन है? वो तो मोदी है, फिर इसके बाद ये और महंगाई को लेकर वही है भाई, जैसे पेमेंट महंगाई बढ़ा रहा उस कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट भी तो बढ़ाना चाहिए उनको, पेमेंट 10,000-12,000 में नौकरी करते रहो, अब महंगाई बढ़ती रहे तो हम कहाँ से भरेंगे, हम कहाँ से पढ़ेंगे। वो बोलते हैं सब पढ़ो, पढ़ाई में भी अति टैक्स लगा देगा तो पढ़ेगा कहाँ से गरीब आदमी, वो तो बोल देंगे पढ़ो। मोदी जी ये कह रहे हैं कि पढ़े रहो, पढ़े रहो, पढ़े रहो, पढ़ो मत, पढ़े रहो। मोदी जी का कहना है कि पढ़े रहो, पढ़ो मत, आत्मनिर्भर बन जाओ, बस इनका जो काम है कि ना पढ़ो ना क्या होता है और पढ़े रहो। कौन कह रहा है ऐसा? मोदी जी कह रहे, युवा तो शक्ति है देश। किस चीज की शक्ति है? देश की। कहाँ से शक्ति है? युवाओं को आगे बढ़ा, बताओ मुझे। वो कह रहा है सबको रोजगार मिल रहा है यूपी के अंदर। अगर वहाँ सबको रोजगार मिल रहा है तो लोग बाग अपना घर छोड़ के दिल्ली बम्बई कहीं भी क्यों जा रहे हैं? अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर अपने घर पर रहेंगे ना, दिन में काम करेंगे, शाम को अपने बीवी बच्चों के पास, अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, क्यों जाएंगे कहीं भी काम करने, क्यों रहेंगे किसी से भी दूर? अब बाहर जाके इंसान को वीजा पता चलता ना, जैसे टेंशन होती है करने के बाद कितना। अब 12,000 रुपये मिल रहा है, 12,000 में 3,000 रुपये कमरे का किराया हो गया, खाना पीना रहा, बचेगा कहाँ? अब 2-3 हज़ार रुपये बचे गए, अब वो घर पे भी भेजने हैं, इंसान का आके दुख बीमारी भी आई जाती है। अब अपने घर पर रहेगा तो वहाँ देखते लेंगे, बाहर रह के कौन देखता है? जनता तो कहती है कि मोदी जी बहुत ताकतवर है। अब इस चीज़ को तो हम कह नहीं सकते। चलिए, पनौती क्या होता है ये बता, इसका सब तो हमें नहीं पता। पनौती तो कुछ होता होगा, क्यों हैशटैग पनौती? अब जिन्होंने कहा बिना पता होगा, या जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर नोटिस भेजा है, इस चीज का बिना पता होगा क्या पनौती सब क्या होता है? चलिए, मैं इस पूरी बात को आप इसे इधर आ जाएगा, युवाओं के लिए कौन पनौती है इस वक्त? वो तो पता है, बार बार उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो तो एक ही चीज पूछ रहे, पनौती 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 क्या है, उससे क्या लेना देना पनौती से हमें? जनता क्या चाहती है, पनौती, मुर्खों का सरदार पे चर्चा हो या फिर उनके काम को लेकर भी चर्चा? काम लेके हो चर्चा, मोदी के लिए काम लेके चर्चा हो, पनौती उनौती वो छोड़िए, जो महंगाई। युवा क्या चाहता? वो ये चाहते हैं राहुल गांधी 2024 में आए, मोदी जाए यहाँ से। पनौती कह रहे हैं बताइए, उनको इतनी समझ नहीं कि सम्मानित पद पनौती नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, अपने अपना वो मैच 10 मैच भी तो जीत के हम आ रहे थे, अब एक मैच हार गए, अब कल का मैच जीते नहीं हम, तो वो पनौती उनौती नहीं कहना चाहिए किसी को भी, बढ़िया अपना महंगाई उंगाई के बारे में पूछो, शिक्षा के बारे में, बेरोजगार के बारे में पूछो, ये सब पूछो, ये सही है। शिक्षा ये सब नहीं काम किए हैं वो, हम मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, 50-50 किलो को कट्टा उठाता हूँ करोल बाग में, मेरे को 12,000 रुपया मिलता है बस, इससे ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपया मेरे को किराया लग जाता है भजनपुरा आने से और जाने में, भजनपुरा से आता हूँ और जाता हूँ करोल बाग काम करने के लिए, 12,000 मिलता है, तो क्या अब 50 किलो का कट्टा उठाता हूँ? 50 किलो का कट्टा उठाते हो, 12,000 महीने का कमाते, बस कितना मुश्किल, महंगाई भी चल रही है और चीज लिए महंगे गुजार लिए, तो हम सोचते हैं राहुल गांधी आए थे पहले भी, महंगाई पहले की बात करते ना, महंगाई तो पहले भी बोलने का ढंग नहीं है, ढंग तुम्हें बोलने का है, तुम्हें ढंग से बोलो तुम, तो वही तो कह रहे राहुल गांधी का बोलने का ढंग नहीं, वो क्या प्रधानमंत्री बन जाएगा वो? चले, राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं कि क्या बोलना क्या नहीं, और आपके पीएम बन खुद ही नहीं समझ क्या ये बोलना चाहते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी।
मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी को बड़ा ढंग है ये बतलाना मुझे, बीजेपी कांग्रेस का टाइम ये बात बतलाना ना, काम नहीं हुआ कांग्रेस का, एक काम बता रहा हूँ, ये सब नहीं काम किए हैं वो, हम मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, 50-50 किलो को कट्टा उठाता हूँ करोल बाग में, करोल बाग में मेरे को 12,000 रुपया मिलता है बस, इससे ज़्यादा नहीं, 30-40 रुपया मेरे को किराया लग जाता है भजनपुरा आने से और जाने में, भजनपुरा से आता हूँ और जाता हूँ करोल बाग काम करने के लिए, 12,000 मिलता है, तो क्या अब 50 किलो का कट्टा उठाता हूँ, 50 किलो का कट्टा उठाते हो, 12,000 महीने का कमाते हो, बस कितना मुश्किल, महंगाई भी चल रही है और चीज लिए गुजारा, तो हम सोचते हैं राहुल गांधी आए थे पहले भी, महंगाई पहले की बात करते हैं ना, महंगाई तो पहले भी बोलने का ढंग नहीं है, तुम्हें बोलने का है, तुम्हें ढंग से बोलो तुम, तो वही तो कह, राहुल गांधी का बोलने का ढंग नहीं हो क्या, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा वो, राहुल गांधी को इतनी समझ नहीं कि क्या बोलना क्या नहीं, और आपके लिए पीएम बन जाए खुद ही नहीं समझ क्या ये बोलना चाहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी, हाँ, मोदी जी बोलते हैं, मोदी जी को बड़ा ढंग है ये बतलाना मुझे, बीजेपी कांग्रेस का टाइम ये बात बतलाना ना, मैं काम नहीं हुआ कांग्रेस का, एक काम बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री बोलता है मेरे को भैया गाली मिलता है, अरे काम करने वाला काम बतलाए ना, दंचा के लिए काम करे मीडिया वाले, क्या काम हुआ बताओ ना, क्या काम नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का टाइम में प्राइवेट नहीं था कांग्रेस के राज में, अब प्राइवेट हो गया, प्राइवेट हो गया, अरे जाओ टिकट, टिकट कितने का आ रहा था पहले कांग्रेस के राज में, पहले क्या, आज के डेट में 90 रुपए का है, 90 रुपए टिकट है लाल किले का, आज तक लाल किला में गया नहीं हूँ, मोदी के राज आया जब तक अभी तक नहीं गया, और बोलना इतना महंगा हो गया कि लाल किला नहीं घूमकर क्यों जाऊं, जब 90-100 रुपए का टिकट आएगा तो कहां से जाऊंगा, आप काम गिनवा रहे थे, काम गिनवा रहे, देश को चलाने के लिए भर्ती होना चाहिए ना, तो कांग्रेस का टाइम में क्या था बताओ ना, क्या नहीं था, लाल किला था सरकारी, ताजमहल था, सब चीज था, ये सब सारा प्राइवेट कर, अभी भी है, प्राइवेट कर दिया ना, सरकारी चीज थी ना वो, ये प्राइवेट कर दिया, महंगाई हो गया, ये एक बात बताओ, उस टाइम रेल का टिकट काटने जाते हैं ये कम से कम 5 घंटा लग जाता है टिकट लेने के लिए, आप जाओ टिकट ले लो, ऑनलाइन नहीं लेता हूँ टिकट, लेने में लग के करता हूँ तो मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ, चले मूर्खों का सरदार क्यों, कौन जो बेवकूफ है वो मूर्खों का सरदार, मूर्खों के सरदार की भी तो निंदा कीजिए, अरे जो क्यों ट्रेन साफ नहीं है, चलो मेरे साथ झारखंड, चलो 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 मेरे साथ, चलो ना बाथरूम देखना जाते जाते सफर में, तुम्हें पता रिजर्वेशन कर, रिजर्वेशन कटवाने का दम होगा तब तो कटवाऊंगा, रिजर्वेशन में जाऊंगा, जनरल में जाता हूँ मैं, है तो जनरल में तो होगा, जैसे टिकट लोगे ऐसे होगा, क्यों बढ़ा रहा टिकट, क्यों बढ़ा रहा दाम, क्यों बढ़ा रहा है टिकट, क्यों बढ़ा रहा टिकट, नहीं बढ़ा, चलिए चर्चा कर लेते हैं मुद्दों पर ही, क्या लग रहा है आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, गलत बोल निंदा करते हैं, लेकिन मूर्खों के सरदार की भी निंदा करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं ऐसे बोलना नहीं चाहिए, किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मोदी जी बोले थे बेटी पढ़ाओ बेटी, गलत नहीं बोले थे, अरे कब बोला, कब बोला पता, पूरी दुनिया को पता, पूरी